बंटी को लग गया डर क्योंकि भाग गए लड़के से, फीस लेकर भाग गई। देख ले बंटी कह रही है लेडीजों के लिए, देखे कितने पुरुष आती हैं घर के, पेंट में भी इतनी पुरुष यूज नहीं करते। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज जो है हम चलने वाले काफी जगह फरीदाबाद में घूमने वाले हैं, और काफी जो है घर का काम है वो भी करना है। तो अभी जो है सुबह हो चुकी है, हम सब रेडी हो गए हैं चलने के लिए। तो सबसे पहले हमें चलना है लाइब्रेरी बंटी को और मनीष को छोड़ने के लिए, और मैं चल रहा हूँ अभी ड्यूटी। तो ड्यूटी के आने के बाद जाएंगे फिर हम। तो अभी हमें पथरी के लिए पथरी एक टेस्ट कराना है, जो मेरे स्टोन था उसका टेस्ट कराना है। तो वो ले लो बंटी, सबसे पहले तो स्टोन लेकर चलना है, उसका टेस्ट कराना है, और भी काफी काम है। तो पूरा सब कुछ दिखाने वाले हैं हम आपको। तो अभी हम पहुंचते हैं पहले लाइब्रेरी। तो ये बंटी जो है स्टोन लेकर आ रही है, दिखाते हैं हम आपको भी, दिखाते हैं कैसा है स्टोन, कैसा निकला था। तो ये जो है बिल्कुल पास से दिखाता हूँ, ये स्टोन था जो कि 9.3 mm का था, काफी बड़ा साइज था। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि निकल भी सकता है या नहीं भी निकल सकता, लेकिन निकल गया था, अच्छी बात ये रही इसमें। तो हम इसका टेस्ट कराने वाले हैं कि किस वजह से बन रहा है। काफी सारे हैं और भी काफी सारे हैं, तो आज टेस्ट कराएंगे, वहां चलेंगे, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं। A few moments later. तो गाइज, अभी जो हमारी हो गई है ड्यूटी से छुट्टी और हम आ गए हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में अभी जो हम खाना खाएंगे, और ये जो है हमारे खाने की जगह है, यहाँ हम खाना खाते हैं और अभी हम खाएंगे खाना। तो गाइज, काफी लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं और हमने खाना खा लिया है, अब हम चलते हैं लाइब्रेरी में। थोड़ी देर लाइब्रेरी में आराम करते हैं। आराम करते हैं? लाइब्रेरी में आराम कौन करता है? तो लाइब्रेरी में थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, धूप हो रही है, थोड़ा सा ठंडा सा मौसम हो जाएगा, 4 बजे से फिर चलते हैं। तो गाइज, अभी जो हमने 1 घंटे रेस्ट कर लिया है और अब हम चल पड़े हैं हार्ट्रोन सेंटर पर, क्योंकि बंटी ने हार्ट्रोन का एडमिशन ले रखा था, काफी दिन हो गए बंटी का पेपर हुआ नहीं है। तो अभी हमें उनके पास चलना है, पता करना है कि वो कब पेपर लेंगे, कब बंटी को पास होना है फिर उसमें। तो सबसे पहले हम चलेंगे हार्ट्रोन सेंटर। तो गाइज, अभी हम आ गए हैं बीके चौक पर, यहाँ पर जो है काफी लैब है, और हमें चलना था कहीं पर और पहुँच गए हम कहीं पर। तो अभी जो है हमें स्टोन का आज चेकअप कराना है, जो तो वो चेक कराना है कि किससे मेरे अंदर स्टोन ज्यादा बन रही है। तो अभी यहाँ पर काफी लैब है, उनमें चलते हैं, पता करते हैं, वही करते हैं, या फिर कोई स्पेशल जो आर्ज स्टोन वाला है वही वाले करते हैं। तो गाइस, अभी जो है हमने लैब में पता किया है, उन्होंने डॉक्टर का बोला है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ लिखवा के लाओ कि कोई स्पेसिफिक जो टेस्ट है वही करना है, या तो वो हमारी बात नहीं समझ पाए या हम नहीं समझ पाए, बस बात यही हो गया, कंफ्यूजिंग मैटर हो गया है। नहीं, थोड़ा सा वहाँ भी कंफ्यूज वाला सिस्टम बन गया। तो अभी सस्पेंस बन गया, तो फिर मुझे तो यही लग रहा है डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर से ही थोड़ा कंसल्ट करके और फिर देंगे कि क्या करवाना है। हाँ, तो फिर चेकअप कराएंगे। तो फिर तो अभी हम चलते हैं हार्ट्रोन सेंटर। तो गाइस, काफी दिनों के बाद हम पहुंचे हैं हार्ट्रोन स्किल सेंटर में, जहाँ पर बंटी का हार्ट्रोन का कोर्स चल रहा है, और काफी दिनों में आए हैं, इन्होंने अभी तक बंटी का पेपर लिया नहीं है, एडमिशन लिए कई दिन हो गए थे, कई दिन क्या 6 महीने का कोर्स है और लगभग 1 साल होने को आ गई है, लेकिन अभी पेपर नहीं हुआ और इसको डिप्लोमा भी नहीं मिला, जिस वजह से हमें आना पड़ रहा है अब। और ये है बिल्डिंग हार्ट्रोन की, तो ये है हार्ट्रोन स्किल सेंटर, और अभी हम चलते हैं ऊपर इस तरफ। तो यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और बंटी को लग गया डर क्योंकि भाग गए लड़के से, फीस लेकर भाग गई, लेकिन ऐसा है नहीं, उन्होंने बताया है
नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, तो वहां पर चलते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया नीचे की तरफ, तो अभी हेल्प डेस्क पे कोई है नहीं, कोई आता है तब तक हम करते हैं वेट। मैडम बैठती है यहाँ पर, उनसे हम करेंगे डिस्कस। तो अभी बंटी जो है बात कर रही है मैडम से, पूरा डिस्कस कर रही है पेपर कब होगा कब नहीं कैसे होगा। तो गाइज अभी जो है हमने पता कर लिया है, और बंटी का जो एग्जाम है वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है। ऊपर गए थे, ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बंटी डर गई थी, पैसे लेके भाग गए ऐसे लग रहा था लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने नीचे शिफ्ट कर लिया है और नेक्स्ट मंथ जो है बंटी का पेपर है, तो पढ़ लेना ठीक है। पेपर में हो जाएगा, पढ़ ले नहीं फेल हो जाएगी। तो गाइज हमने जो है आर्ट्रोन में बात कर ली है, नेक्स्ट मंथ पेपर होने वाला है बंटी का, और अब हम चलते हैं वापिस आरजी स्टोन में, वहां पर अपना स्टोन दिखाते हैं, उनसे पता करते हैं। हाँ और कहाँ चलेंगे, नहीं पहले आरजी स्टोन चलना है, तो पहले आरजी स्टोन पड़ेगा रास्ते में, तो वहां होकर और फिर चलेंगे हम मार्केट में, तो मार्केट भी चलेंगे आज। पहले आरजी स्टोन चलेंगे, वहां पर स्टोन चेकअप कराएंगे कि क्या है स्टोन, किस वजह से बन रही है, वो पूरा आज डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और पता लगाते हैं उसका भी, आज उसका निचोड़ कर देंगे आज तो अब चलते हैं। तो गाइज फाइनली जो है हम पहुंच गए हैं आरजी स्टोन हॉस्पिटल में, और ये आरजी स्टोन है पीछे की तरफ, काफी बड़ा हॉस्पिटल है फरीदाबाद का ये, और स्पेशल जो है स्टोन के लिए ही पॉपुलर है। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और अपना स्टोन लेकर दिखाते हैं इनको, क्या बताते हैं फिर हम वो आपको बताएंगे, इसके बाद डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद कि डॉक्टर क्या बताता है, टेस्ट करता है क्या करता है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। तो अभी बंटी जो है अपना वेट करने जा रही है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा कितना वेट कितना है, काका की बहस हो रही है। तो अभी जो है हमने स्टोन दे दिया है एनालिसिस करने के लिए लैब में, और जो रिपोर्ट है वो आएगी लगभग 15 दिन के अंदर। तो अभी हमने पेमेंट कर दी है और 10-15 मिनट वेट करने के लिए, तो अभी हम 10-15 मिनट वेट कर रहे हैं। और ये देखो कितना सुंदर बना रखा है, अंदर से भी लगता नहीं हॉस्पिटल है, जैसे मॉल सा टाइप हो इस तरह से बना रखा है ना पूरा। तो गई सामने जो है हमारी जो पथरी है वो एनालिसिस के लिए दे दी है हॉस्पिटल के अंदर, और काफी महंगा चार्ज भी लेते हैं यार ये तो इतनी बड़ी हॉस्पिटल आओगे तो चार्ज लेंगे। तो सबको बहम हो रहा था किसी जा इतनी बड़ी पथरी ना डॉक्टर ने निकाली होगी क्योंकि साइज काफी बड़ा था ना उसका, 9.3 mm की पथरी थी वो, और जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था वो भी कह रहे थे भाई मुश्किल लग रहा है, बट निकल गई वो, इसने निकाली पेट में हाथ डाल के निकाले इसने सोड डा और नींबू पिला पिला के बंटी ने वैसे निकाल दी, तो ये अच्छी बात नहीं, मान ली ना मैंने सब अचंभा कर रहे हैं ये अपने आप निकली कैसे। अच्छा तो ये जो है हमने रिसिप्ट ले लिए उनसे, और लगभग जो इन्होंने टाइम दिया वो 10 से 12 दिन का दिया है, 10 से 12 दिन के बाद हमें फिर से आना है और अपनी रिपोर्ट लेके जानी है, तो रिपोर्ट भी मैं आपको जरूर बताऊंगा क्या आने वाली है। तो आप लोग देखते रहे, कंटिन्यू देखा करें हमारा व्लॉग जो है, तो आपको सब कुछ उसमें दिखता रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें उसके लिए, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उस पर भी ऑल का टिक जो आता है उस पर क्लिक करें, तभी आपके पास जैसे ही व्लॉग आएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज हम आर्ट्रोन में होकर आ चुके हैं, और आरजी स्टोन में हमने जो हमारी पथरी है वो भी एनालिसिस के लिए दे दी है, और अब हम चलते हैं मार्केट, थोड़ा सा काम है बंटी को मार्केट में, तो वो भी हम मार्केट में चलकर बताएं, या अभी बता दे, तो अभी बता देता हूँ, तो वो भी दिखाते रहेंगे, बट अभी बता देता हूँ थोड़ा सा कि बंटी चुन्नी लेके आई है, उनमें कलर करवाएगी, दुपट्टे हैं डाई करवाने हैं, तो वो करवाएंगे वो दिखाएंगे, और छोटा सा और थोड़ा बहुत जो है सामान खरीदना है घर का, तो वो शॉपिंग रहेगी। तो अभी हम चलते हैं NITEC मार्केट में, वहीं ज़्यादातर हम चलते रहते हैं, तो वहीं चलकर फिर हम करते हैं अब शॉपिंग। तो अभी हम आ गए हैं NITEC मार्केट में, और सबसे पहला जो टास्क है हमारे लिए ये है,
कि बंटी के लिए वाइट जो है क्या लेनी है? अगर दुपट्टे लेने हैं, अगर सेम दुपट्टे कलर लेने में मिल गए तो ले लेंगे, नहीं तो हम वाइट दुपट्टे लेके उनको डाई करवा लेंगे। अच्छा, डाई कराने का है फिर वाइट दुपट्टे, तो या तो दुपट्टे मिल जाए तो बेटर है, अदरवाइज फिर बंटी को डाई कराना है। तो अभी हम मार्केट में अंदर चलते हैं और देखते हैं बंटी के लिए दुपट्टे सबसे पहले। जी जी हाँ, यहाँ भी मिल रहे हैं दुपट्टे, देख ले। 20 रुपए में 3 दुपट्टे कोई नहीं देता। तो बंटी जो आ गई है चुन्नियों की दुकान पर, जो है बंटी ने दुपट्टे वाइट वाले ले लिए हैं और उनको जो है कलर करवाने के लिए दे दिए हैं और लगभग आधा घंटे का समय लिया है उन्होंने। आधे घंटे के बाद हम तब तक शॉपिंग कर लेते हैं आधे घंटे तक, उसके बाद फिर हम अपने वापस दुपट्टे ले लेंगे, फिर कलर दिखाएंगे कैसा होता है तब तक। तो तब तक हम और शॉपिंग करते हैं, घर का सामान लेते हैं पीछे। तो अभी हम आ गए हैं और हमें जो है यहाँ से काफी सामान लेना है, तो अभी हम खरीदते हैं एक एक सामान यहाँ से। सर क्या होता है दुकान में आते हैं ना, हम सामान खरीदना भूल जाते हैं क्या क्या खरीदना है, लेकिन अभी मैंने लिस्ट में अपनी देख लिया है क्या क्या खरीदना है, तो वो सारा सामान हम यहीं से खरीदते हैं। ब्रश, छालनी, ये मुझे ऐसी लगी जैसे प्रेस है, और ये बर्तन धोने का है बंटी बता रही है। बिल्कुल यहाँ बड़े लगने चाहिए। एक ये भी लिया है हमने इस बार, वाले डब्बे भी उतार लेते हैं, चार वाटर बोतल, छोटी वाटर बोतल है, इसमें कैंपर उल्टा रख देंगे, पानी आराम से निकल जाएगा यहाँ से। तो अभी जो हमने जनरल स्टोर पे सामान खरीद लिया है और बंटी ने अपनी गोदी में ले लिया है सामान, क्योंकि इसमें बोतल है एक बड़ी। तो और कुछ तो अभी शायद खरीदना नहीं है, बस इतना ही खरीदना है आज तो, और चुन्नी लेंगे वापस हमारी, क्योंकि कलर होने के लिए लेकर गए थे वो, तो वो आ गई होंगी अब तक फिर लेकर, और फिर चलते हैं। ये है नाइट की मार्केट जो काफी बार दिखाई है मैंने आपको, तो बंटी अभी देख लेने लगी ये वाले बर्तन, बंटी को काफी पसंद आ रहे हैं, कह रही ले लूं, और बंटी को ये वाले अच्छे लगे हैं तो बंटी ने ये वाले ले लिए दो, और इसके साथ कटोरी भी ले लिए ये वाले। बंटी कह रही है लेडीजों के लिए देखे कितने पुरुष आती हैं, घर के पेंट में भी इतनी पुरुष यूज नहीं करते हैं। तो अभी जो है दोनों आ गई हैं बंटी के रेडी होकर चुन्नी, तो बंटी के दोनों हाथ हो गए हैं फुल और हम चल दिए हैं वापिस घर की तरफ। तो गाइस अभी जो है हमने फुल शॉपिंग कर ली है और आज का जो हमारा काम था वो लगभग पूरा हो गया है, तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर मार्केट में ही दी एंड करते हैं। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।